फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं अपन क्या बनाने वाले हैं आज? बनाने वाली हूँ मैं मुहर्रम के स्पेशल रोट। पहले तो ये बताओ कि इतने दिन कहाँ थे? देखो, सबसे पहले तो आप लोगों से माफी चाहती हूँ, बहुत लेट आई हूँ मैं मुहर्रम के रोट लेके, क्योंकि मेरी तबीयत जो ज्यादा खराब हो गई थी अजमेर से आने के बाद, तो इसके लिए मेरे से नहीं हो रहा था और मैं बनाने की कोशिश भी कर रही थी तो ये मुझे बनाने नहीं दे रहा। मैं बोल रहा था कि तबीयत खराब है, फेस पे पूरा दिख गया है, तबीयत खराब है और यहाँ पे भी आने के बाद 2 से 3 घंटा ऐसा खड़े रहना पड़ता है, तो कहीं और नहीं खराब हो जाए? शूट तो अपना चलते ही रहता है, लेकिन मैंने क्या बोला, पहले आराम कर लो, तबीयत ठीक कर लो, उसके बाद अपन अपनी रेसिपीज स्टार्ट करेंगे। और अभी चल रहा है मुहर्रम, अम्मी बनाने वाले हैं रोट, जो कि मुहर्रम में बहुत ही बनते हैं। इससे पहले भी हमने 2 से 3 टाइप के बनाए हैं, लेकिन वो गैस पे बनाए हैं। आज अम्मी बनाने वाले हैं अपने ओवन में, यानी कि न्यू किचन का जो ओवन है ना, वो आज यूज होने वाला है रेसिपी के लिए। वैसे तो वो यूज होता है, भाभी भाई कुछ ना कुछ उसमें गर्म ओवन और माइक्रोवेव में गर्म वगैरह करके यहाँ से जाते हैं, लेकिन अभी तक के अपन ने चैनल के लिए यूज नहीं करे। हाँ, ऐसा तो घर में देखो नूर भी बनाती है, सरफराज भी बनाता है, लेकिन मुझे ओवन चलाना बिल्कुल नहीं आता है, तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा सिखाया है अभी कि अम्मी ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। देखो, उन लोग जॉब करते थे ना, तो जॉब पे उन लोग ने सब सीखे हुए, कैफे में सब बताते हैं, तो मुझे भी सिखाया है, तो इंशाल्लाह मैं भी आज ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह जरूर अच्छे रोट बनेंगे, आप लोग मेरे साथ बने रहना। ठीक है, चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे, क्या जमी रोट बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम सूजी, मैदा, पीसी हुई शक्कर, दूध, पिसा हुआ खोपरा, देसी घी, मिल्क पाउडर, कद्दू की बीज, काजू, बादाम, खसखस, इलायची पाउडर और बेकिंग सोडा। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट ली हूँ, ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ ली हूँ बादाम, काजू और कद्दू की बीज। ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जो पसंद है, जो डालना है वो ले सकते हैं, जो हटाना है वो हटा सकते हैं, अपने ऊपर होता है। तो यहाँ पर मैंने काजू ली हूँ, काजू को मैं अच्छे से थोड़ा दरदरा सा इसमें पीस लूंगी, और मगज भी हम मगज, हाँ ये कद्दू की बीज, अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से पीस लूंगी, लेकिन दरदरा पीसना है, बारीक एकदम नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ड्राई फ्रूट्स पीस ली हूँ दरदरा, देख रहे आप लोग, बस इतना ही दरदरा मुझे चाहिए। अब हम इसको रख देंगे साइड, और यहाँ पे मैं बॉल ले ली हूँ और आपको मेजरमेंट के साथ अभी बताती हूँ। मैंने यहाँ पे 1.5 वाटी भर के सूजी ली हूँ और 1/2 वाटी ली हूँ मैदा, यानी कि मैं 2 वाटी का रोट बना रही हूँ। 1 हिस्सा ली हूँ मैंने मैदा और 3 हिस्सा ली हूँ रवा, और 1 वाटी भर के ली हूँ मैं पीसी हुई शक्कर और 1/2 वाटी घी। ये है इसका पूरा मेजरमेंट, बाकी चीज़ें आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 5 चीज़ों का मेजरमेंट आप याद रखना। तो यहाँ पे मैं ये सूजी मोटी वाली ली हूँ जिससे हम रवा बनाते हैं, ठीक है ना, ये हम डाल देंगे इसमें। इसी के साथ हम ये 1/2 वाटी मैदा भी इसमें ऐड कर देंगे, आप मैदे की जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम डालेंगे इसमें शक्कर, शक्कर ली थी मैंने 1/4 वाटी, लेकिन वो पीसने के बाद 1 वाटी हो गई, पीसने के बाद है ना शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब आपको इसमें खोआ वगैरह ऐड करना है तो आप ज़रूर करना, मैं यहाँ पे खोए के जगह पे मिल्क पाउडर 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये 1/2 वाटी खोपरा, ये पीसा हुआ खोपरा मिल जाता है ईजी से दुकान में, ठीक है ना, ये भी हम इसमें डाल दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और मैं यहाँ पे डालूंगी इसमें 1 चम्मच खसखस, तो यहाँ पे खसखस भी मैंने डाल दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी सूखी चीज़ मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने पीस के साइड में रखे थे, ये मैंने दरदरा इसलिए पीसी थी ताकि हल्के हल्के ये मुंह में आना चाहिए, ठीक है।
अब इसमें हम घी और दूध ऐड करेंगे सबके लास्ट में। इसको मैंने मिक्स कर ली हूँ, अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो घी यहाँ पर मैंने ली हूँ 2 बड़े चम्मच, ये पाव बाटी हो गए हैं, ठीक है। और घी को पिघाल के नहीं ली हूँ, इसी तरह जमा हुआ ही घी लेना, ठीक है ना। अब इसको अच्छे से मैं मिला लूंगी। इसके अंदर पहले मैं ये भी डाल देती हूँ, 1/2 चम्मच छोटा वाला, हाँ टीस्पून, उससे मैंने बेकिंग सोडा ली हूँ, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और डालेंगे इसमें 1 पिंच नमक, नमक थोड़ा सा डालना ज़रूर अगर आप कोई भी मीठी डिश बना रहे हैं तो, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे, हम घी को पूरा हर सूखी चीज़ में मिक्स हो जाना इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे घी अच्छे से मैंने मसल ली हूँ, अब अच्छी तरीके से घी लग गया है सारे बैटर में हमारे। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटे के डो की तरह गूंद लेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो कुनकुने पानी से भी इसको गूंद सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दूध से गूंद रही हूँ, अगर आप ज़्यादा बनाएंगे 2-4 किलो का तो आप पानी से गूंदना, क्योंकि दूध की एकदम लाइफ ज़्यादा नहीं रहती है, थोड़ा खट्टा होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है। अगर पानी से गूंदेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलता है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 बाटी पूरा दूध इसमें डाल दी हूँ, 1/2 बाटी दूध लगी है मुझे यहाँ पे, है ना। अभी हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया, थोड़ा सा इसको पतले टाइप में ही हमने रखे है क्योंकि अभी ये और सख्त होगा। इसको अभी मैं 40 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। अगर आपको पूरा ओवरनाइट रखना है इसको ढक के, तो आप इसमें दूध और डाल देना, ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो ये और ज़्यादा फूल के कड़क होगा। मैं यहाँ पे 40 मिनट रख रही हूँ, इसके लिए मैंने ये हिसाब से इतना ही पतला रखी हूँ, ठीक है ना। तो अब ये 40 मिनट मैं इसको ढक के रख दूंगी सेट होने के लिए, उसके बाद बनाएंगे हम रोट। तो यहाँ पे 40 मिनट हो गए हैं हमको रवे को भिगा के रख के। अब हमको प्री हीट के लिए हमने ओवन भी चालू कर दिए हैं 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे ट्रे भी ले लिए हैं जिसमें हम रोट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा थोड़ा सा घी लगा दूंगी इधर, और इसी के साथ मैं इसको टिश्यू से पूरा फैला भी लूंगी और पोंछ भी लूंगी। बस हल्का हल्का हमको घी चाहिए इसमें, ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए, बस इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से घी लगा ली हूँ, अभी हम यहाँ पे रोट को शेप दे देंगे। आपको गोल बनाना है, ज़्यादा चौड़े बनाना है, वो आपकी मर्जी, आपको कितना बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, ठीक है ना। और ये अपने आप पकते पकते फैलते भी है, इस बात का भी ख्याल रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको अच्छे से गोल कर लूंगी, और इसको ज़्यादा दबाना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं हल्का सा थोड़ा सा खशखश ले लूँगी इधर, इसको थोड़ा सा अच्छे से फैला लेंगे, और यहाँ पे हम रख देंगे थोड़ा सा ये कद्दू की बीज। आप इसकी जगह काजू बादाम जो चाहे वो रख सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से हो गया है, अब मैं इसको उठा लूँगी इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसी तरीके से रखने वाली हूँ, इसको ज़्यादा चपटा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिस्मिल्लाह करके रख देंगे, और गैप देखे रखेंगे कि हमको दोनों तरफ से इसको फैलने के लिए जगह मिले, ये साइड से भी और ये साइड से भी। तो इसके लिए मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ। अब मैं इसी तरीके से दूसरा भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 6 रोट बनाई हूँ, इसका गैप देख देख के रखी हूँ ताकि अगर ये फैले भी तो एक दूसरे को चिपके नहीं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, हमारा प्री हीट भी हो गया है ओवन, अब हम ये सीधा रख देंगे बेक होने के लिए। तो अब मैं इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ 25 मिनट के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा प्री हीट हो गया है अच्छे से 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे हमने इसको रख दी है बेक होने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोनों सलिए गरम करने के लिए रख दी हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों सलिए गरम होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने 25 मिनट का
टाइम लगाई हूँ और यहाँ पे मैंने 180 डिग्री पे रखी हूँ बेक होने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो 25 मिनट हो गए हैं, ट्रिंग करके आवाज आ गई है हमारी टाइमर की। तो अब हम निकाल लेंगे हमारे रोट। ओहो, क्या भाप है, खुशबू क्या मस्त आ रही है। बिस्मिल्लाह, वाह, एक नंबर। लेकिन अभी हम इसको टच नहीं करेंगे और इसको निकालेंगे भी नहीं। इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए इसी तरीके से मैं छोड़ दूंगी, उसके बाद आपको निकाल के दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो मेरे बच्चे भी हैं, मैं इसको भी अभी इसी में 25 मिनट बेक कर लूंगी इसको निकालने के बाद। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं लेकिन ये क्रिस्पी अभी नहीं हुए हैं। अभी हम इसको संभाल के निकालेंगे लेकिन एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, ठीक है ना। इसको बड़े आराम से निकालना है हमको। हो गया मम्मी क्रिस्पी। हाँ नहीं, अभी भी एक के ऊपर एक रखेंगे तो नरम हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी भी हमको इसको अलग अलग ही रखना है, इसको आधा घंटा अच्छे से हवा लगना चाहिए, ठीक है। तो मतलब पहली ओवन की रेसिपी तुम्हारी सक्सेस होगी ना। माशाल्लाह, एकदम मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी। लेकिन अभी जिसके पास ओवन नहीं है, हाँ तो ये मेरे पुराने वीडियो देख लेना, आराम से तवा या फ्राई पैन रख देना, उसके ऊपर आधा चम्मच घी आराम से फेर देना और स्लो आंच करके उस पर आप ये रोट रख के सेक लेना। या फिर दूसरी तरीके से जो हम केक बनाते हैं, नीचे गर्म पानी रख के ऊपर जाली रख के स्टीम करते हैं, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह, देख रहे हैं आप लोग, ये अभी ये रोट मेरे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हमारे ये दूसरे रोट भी रख देंगे जो हमने साइड में बना के रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाकी बचे हुए रोट भी रख दिए हैं, इसको भी मैं बेक कर लूंगी 25 मिनट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पक गए हैं, 25 मिनट हो गए हैं, इसका भी टाइमर बज गया है, मैं इसको बाहर निकाल ली हूँ। अब इसको भी मैं आराम से 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो दोस्तों तैयार हो गए यहाँ पे ओवन के रोट। तो भाई कैसी लगी? आज चालू ही नहीं करे। आज बने हैं रोट बिना गैस के। अम्मी तुम बताओ कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस? मेरे हिसाब से, मैं बोलूँ तो मेरी उम्मीद से बहुत अच्छे बने हैं ये रोट। अच्छे, बहुत अच्छे बने। मैंने कहा था फर्स्ट टाइम ट्राई किए ना ओवन में, अपने ये वाले सेटअप में, यहाँ के घर में ओवन में। तो मेरे को तो लगा था अपने ओवन का पैसा हो गया खराब, क्योंकि 6-7 महीने से वो यूज ही नहीं किए। वो रोज बोलता है मेरे को ओवन की रेसिपी डालो। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट ट्राई करो, तुम 10 बार ट्राई करेंगे तो एक बार कॉन्फिडेंस बनेगा। तो शायद इससे पहले एक बार ट्राई भी किए थे तुम ओवन? हाँ, वो करी थी ऐसी, लेकिन वो साथ में मेरी नूर थी, लोग थे, सब बच्चे थे। आज मैंने खुद से करी हूँ तो आज मेरा इतना अच्छा रोट बना ना कि मेरा दिल खुश हो गया है। तो अब मेरी हिम्मत बढ़ेगी तो मैं जरूर ट्राई करते रहूंगी ओवन की कोई नई नई रेसिपी। नहीं तो मुझे डर लगता था। देखो मैं रोट तो हमेशा बनाती हूँ, कितने मैं हर मोहरम में नए तरीके से रोट बताती भी हूँ, डालती भी हूँ, लेकिन पहली बार ओवन में बनाई हूँ। बहुत अच्छे बने। और मैंने आप लोगों को बोली भी थी आप लोग मेरे साथ बने रहना कि ओवन के रोट कैसे बनेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा हल्का फुल्का लाइट डाल, क्यों दिख रहा मालूम? ये पहले बने हुए हैं, ये बाद में बने हैं, क्योंकि हमारा ओवन इतना फर्क नहीं दिख रहा। मेरे को तो दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। खाने में तो पक्का अच्छे ही होंगे, क्योंकि मसाला मेजरमेंट में मेरे को कोई डामाडोल नहीं रहता है, वो मेरा गारंटी वाला रहता है। मगर ये जो गैस से हटके जो ये ओवन में गया था, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा हिचकिचाहट रहता है, क्योंकि मैं नहीं बनाती कभी। मुझे गैस पे तुम जो बोलो मैं बना। गैस पे कैसा, गैस सबके हाथ से चलता है। हाँ। और ओवन में कैसा, अपने आप को ना डिपेंड रहना पड़ता है ओवन पे। हाँ। ऐसा तो खाओ करके बताओ। अभी देखते हैं, देखो अच्छे तो मस्त बने होंगे भाई। ये ना दूध में डुबा के खाने का या दूध में पूरा चूरा करके डाल देने का और चम्मच से खाने का एकदम मजा आएगा। अभी कैसा 2-3 साल से खा खा के आदत हो गई है। सच बोलो तो स्ट्रीट फूड जाएगा से पहले शायद ही मैंने सुना भी नहीं था रोट का नाम। अभी आधे घंटे के बाद और हार्ड हो जाएगा ना। हाँ, मतलब कैसा है ना, इसको अभी बन के 10 मिनट हुआ है, 10 से 12 मिनट। तो ये क्रंची तो हो गए,
लेकिन ये आधे एक घंटे के बाद ना एकदम ना क्रंची हो रहा था, ये अंदर का हिस्सा भी क्रंची हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा पूरी तरह से। अब भी हो गया माशाल्लाह, लेकिन बोलने का मतलब है पकाने के टाइम घाई नहीं करने का। जैसा मैं गैस पे भी पकाती थी तो आपको बताती थी कि ये जो निकालते ना हम गैस पे से तो उतार के रखते हैं, तो ये बहुत नाजुक होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं, क्योंकि वो नरम रहते हैं, पकने के बाद भी नरम रहते हैं। इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है सेट होने के लिए, कुरकुरे होने के लिए। उसी तरीके से ओवन का भी वैसा ही है कुछ। तो मैंने निकाल के अभी इसको 12-15 मिनट रख दी थी, माशाल्लाह ये भी क्रंची हो गया। देखो अभी बहुत से लोग पास ओवन नहीं है तो ले लो ना? नहीं ले लो नहीं, अगर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के घर में ओवन आना चाहिए, लेकिन जैसा मैं बोल रही हूँ जिसके घर में ओवन नहीं है यहाँ आके बना लो आप। आप लोग है ना यही जैसा मैंने मसाला बैटर बनाई आप पूरा वही करना। और एक जो मैंने बड़ा टोप लेना, गैस पे रख देना, उसके अंदर नीचे थोड़ा सा नमक या हल्का सा पानी डाल देना, या पानी भी नहीं डालेंगे आप टोप इसी तरीके से गर्म करेंगे तो भी चलेगा खाली टोप, और उसके अंदर एक जाली रख के वो जाली के ऊपर एक जर्मन का ढक्कन होता है ना पतला सा, उस पे आप ये रोड बना के रख देना। जैसे हम ट्रे में रखे थे ना अंदर, उस तरह हमारी ट्रे रखी रहेगी जर्मन का ढक्कन, वो ढक्कन पे आप रोड रख के वो जाली पे रख देना टोप के अंदर, और ऊपर से अच्छे से ढक देना और छोड़ देना 15 से 20 मिनट 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर आपके इसी तरीके से रोट तैयार हो जाएंगे टोप में, वो भी गैस पे। ठीक है, तो मैं जिसके पास ओवन नहीं है उसको भी बता दी इस तरीके से आप ये रोट उसमें भी बना सकते हैं। ओवन की तो बहुत सारी रेसिपी हमने अभी कब बनाएंगे फिर ओवन की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो कमेंट करो अगर आप लोग को अम्मी के हाथ से अपने ओवन की रेसिपी अलग अलग, देखो अम्मी गैस पे बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सी अलग अलग चीजें होती है, तो हमें ओवन में भी बनाएंगे ना तो हमें अपना एक्सपीरियंस ओवन मतलब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ओवन में भी कुछ अलग अलग तरीके का कर सके वैसा, इंशाल्लाह। अभी तो मेरे को इतनी खुशी हो रही ना रोड खा के, मस्त वाले परफेक्ट रोड बने हैं, जरा भी नहीं बोल सकती मैं कि रोड अच्छे नहीं बने। कहीं ना कहीं आज की रेसिपी सिखाने की नहीं सीखने की थी हमें खुद, मैं खुद डरते डरते आप लोगों पर आई थी कि बनाएंगे देखेंगे होता है नहीं होता है खराब हो जाएगा, तो फिर भी मैंने रिस्क ली, मैंने नहीं अब लगाया है इतने दिन से, 8 महीने से मेरे पीछे पड़ा है, खाली तुमने लगाने लगा है लगाने लगा, वो मेरा शौक था लगाई मैंने, लेकिन मुझे डर लगता है। अब जाके उसने बोला बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैंने एक रोड अभी बिस्मिल्लाह शुरू करी हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आगे भी और अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी बनेगी कि नहीं इंशाल्लाह तंदूर करके। तो भाई आप भी आपके घर पे ये रोट की रेसिपी जरूर बनाना। हाँ, एक बात और बोलना भूलने में, ये रोट आप महीना 2 महीना 3 महीना आराम से स्टोर करके खा सकते, ये खराब नहीं होते। ठीक है, एयर टाइट डब्बे में रख देना, रमजानों में तो बहुत से लोग बनाते भी है ये 2-2, 5-5 किलो और डब्बे में रख देते सहरी में, दूध में इसको नरम करने रख के फिर दांत दांत घसने जाते, दांत दांत घस के आते कि दूध में नरम हो जाते, यही खा के सहरी कर लेते बहुत से लोग काम करने वाले जॉब करने वाले, तो ये गांव देश में भी बनाते हैं। और इसमें मैंने खोआ नहीं डाली, बहुत से लोग रोड में खोआ भी डालते हैं, खोए के बदले मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाली। अगर आप पानी का क्या पाउडर डालते हैं, हाँ अगर ज्यादा दिन रखना है क्वांटिटी में बना रहे हो 2-5 किलो तो आप दूध के जगह मैं तो बेहतर समझूंगी पानी डालिए, तो पानी से ना इसकी सेल्फ लाइफ है ना और बढ़ जाती है रखने के लिए। ठीक है ना, बाकी तो मीठा और उसका जो मेजरमेंट वो जो मैंने बताई हूँ उसी तरीके से लेना, 3 हिस्सा मैंने रवा ली हूँ, 1 हिस्सा मैंने मैदा ली हूँ। ठीक है, चलो कैसी लगी भाई रोट की रेसिपी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा अम्मी का तरीका अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करो। ठीक है, चलते हैं मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।